बिना किसी टाइम के वापस और चले पुराना के खिलाड़ी लखावटी के ग्राउंड पर जर्सी नंबर 6 और हैंड टच लिया है लगता है, इशारा हो चुका है और एक खिलाड़ी आउट। स्कोर चेक करा दी, एक थोड़ा कस के बोले ब्रो, कोई बात नहीं, माइक पकड़ लेता है, एक उड़ान है, माइक चेक कर ले भैया, ये सही है, बोलो लखावटी एक उड़ाना एक, वन ऑल के साथ पुराना का एक खिलाड़ी जर्सी नंबर 7 17 जर्सी नंबर 17 है सॉरी, बहुत अंदर चढ़कर खेल रहा है लेकिन फिलहाल अभी कोई टच नहीं मिला और बिना किसी लगता है भी टाइम से वापस जर्सी नंबर 3 दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है जेपी पब्लिक स्कूल के इस ग्राउंड पर, आज दूसरा दिन और आखिरी दिन, बहुत ही शानदार मुकाबला, पुराना का एक खिलाड़ी जर्सी नंबर 6 बहुत अच्छी रेट के साथ लेफ्ट से रेट लेता हुआ दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ, पहले से फाइनल में प्रवेश कर चुकी है जेपी एकेडमी है और ये जर्सी नंबर 6 अब लगता है ब्लो डाई है क्या, बज चुका है हॉर्न, ब्लू उड़ाई रेट, इसमें निश्चित पॉइंट होता है और किधर होगा ये देखने लायक होगा, और बीच में हाथ लगाने की कोशिश का बच्चे बुलंदाबाज के साथ आगे बढ़े और बीच में कैच बनाया निकलने की कोशिश लेकिन कोई कामयाबी नहीं और पूरी तरीके से कैच करा, एक और पॉइंट भी लगा, स्कोर 2-1 ब्लू उड़ाई जर्सी नंबर 6 बहुत तेज तर्रार रेडर है, कवच कवच की बुलंदाबाज के साथ राइट से बिल्कुल बोनस के आसपास उछलता है और चेक करता हुआ और हमारे नो कोई जीतो जाए बिल्कुल ओके है, तीन लगाती गुड़ाना दो 3-2 2-3 के साथ जर्सी नंबर 6 बुढ़ाना का एक खिलाड़ी, बीच में कच्ची थोड़ी सी पकड़ थी लेकिन कंट्रोल बहुत शानदार था, सामने से जो कैचर थे बीच में बिल्कुल घेरा बनाया और बहुत ही गजब पॉइंट लिया अपनी टीम के लिए, अब थोड़ा सा पॉइंटों का अंतर आगे बढ़ता हुआ और एक और पॉइंट स्कोर रफ्तार पकड़ता हुआ 4-2 रेडर
लखाओ ठीक है, कलश कलश की बुलंद आवाज के साथ। ज्यादा जितो रेस करेंगे तो टैकलिंग पॉइंट के लिए भी यहां दोनों रेफरी तैयार है, क्योंकि लाइन सजीद पीछे खड़े हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं आपकी चलेगी नहीं, अपील आपकी जायज है और टच पॉइंट लिया है, एक और पॉइंट लखाओ के खाते में स्कोर। ऑफिसर टाइम आउट। बहुत सख्त है और आजमगढ़ से यहां पहुंचे हैं हमारे रेफरी जजी। फाइव टू है स्कोर, बहुत तेज था। मौका था और कंट्रोल टू कैचर बाहर जाएंगे और ये पॉइंट टू मिलेंगे, दो पॉइंट मिले। टाइम आउट लखाओ की। इन दो पॉइंटों के साथ बहुत तेजी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7-2, 7-2 के साथ 5 पॉइंटों की बढ़त लखाउटी के पास है और अब ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ बुढ़ाना के ऊपर। बुढ़ाना का रेडर राइट से रेड लेता हुआ बोनस के पास जाने की कोशिश है और कोशिश कामयाब नहीं होगी। आप सीधा आउटलाइन के बाहर हुए और एक और पॉइंट वन खिलाड़ी एक और पॉइंट मिला और 3 पॉइंट और प्लस में पहुंचे हैं 11-2 के साथ जर्सी नंबर 17। बहुत कच्ची पकड़, एक पॉइंट का भुगतान होगा। अभी कोई भी मुकाबला ऐसा देखने को नहीं मिला जो कस्मा कस्मे पहुंचा हो। कोई मौका नहीं दस लेने की कोशिश की, बीच में बराबर हाथ को घुमा रहे हैं, अटैक बनाने की कोशिश। जर्सी 10 के ऊपर लेकिन होता है कि बिना किसी पॉइंट के वापस और 2-11 2 बुलाना और 11 3 है शायद स्कोर, स्कोर चेक करा देंगे। 3-11 हाँ 3-11 देखिए क्या अंदाज है, पूरा जोश दिलाने की कोशिश छटपटाहट के बीच। हर हाल में पॉइंटों की यहां दरकार है और अभी फिलहाल कोई मौका नहीं नजर आ रहा है। फिर से जर्सी नंबर 17 देसी का भी डिनर दिन देर में तो फेंक दें प्रिंट पर से बाहर जो कॉल में भेज का सवाल होता क्या आप बताइए तो क्या ये
13 लाख आपकी उड़ाना थी, 10 पॉइंटों की बढ़त है। पहले हाफ में बिल्कुल वन साइड मुकाबला चलता हुआ। अब की बार लग गया है, लगता है लगा रनिंग टेस्ट था और पॉइंट मिला बहुत देर में। पॉइंट बढ़ोतरी 4-13 तेरा चार के साथ ये जर्सी नंबर 6 बहुत गजब का रेडर ये काबू नहीं दे तू खिलाड़ी को आउट होना पड़ेगा। नफात उड़ाना 4 15 चार हाँ जी पंद्रह चार के साथ किस तरीके से वापसी करती है बुढ़ाना ये देखने लायक होगा क्योंकि बहुत अच्छी रेड फर्स्ट है। जंप अच्छी थी लेकिन दूरी काफी थी और दो और डाई जर्सी नंबर 6 लवाना का एक खिलाड़ी। हाँ हाँ और लुड़ाना 5 17-5 15-5 15-5 सॉरी हाथ लगाने की कोशिश आगे बढ़ने की कोशिश कोई कामयाबी नहीं। फिर से लेफ्ट से जब कर रहे देते हुए तो बीच में फिर हाथ लगाने की कोशिश कोई कामयाबी नहीं। टाइम बढ़ता हुआ क्या गजब का अंदाज है रेफर सिंह का। जिस तरीके से आप इंटरनेट प्रो कबड्डी देखते हैं उसी तरीके से रेफर सिंह का मुआयना करते हुए हमारे रेफरी दोनों रेफरी क्योंकि अक्सर ये होता है नियम है जब 25 सेकंड हो जाए तो उसके बाद टाइम नोट चेक कराते हैं रेडर को। बहुत जबरदस्त पकड़ बनाई वन साइड मुकाबला चलता हुआ। हाफ्टी 17 बुढ़ाना 5 पॉइंट इनके जाते हैं 12 पॉइंट होगी बढ़त पाकिस्तान वालों के चक्कर में
इंडिया पाकिस्तान का कल का मैच छोड़ दो इंडिया पाकिस्तान हाफ टाइम समाप्त तुम्हारी आगाज से मेरा अंदाज अच्छा होगा तुम्हारे हर दिन से मेरी हजरात अच्छी होगी अगर यकीन ना आए तो डोली में बैठ कर देख लो तुम्हारी डोली से मेरा जनाजा भी अच्छा होगा क्या बात है रमक जागती है लेकिन थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि उम्र का भी तकाजा है तो उसी लिहाज से इस उम्र की याददाश्त पक्की होना अपने आप में प्रधान जी की एक क्वालिटी है लफाफी 17 बुढ़ाना 6 पहली रेड पे डू और डाई कर दी ऐसा जुलम मत करो भाई बहुत तेज़ रहे कितने अंदर बहुत तेज तर्रार है 10 नंबर से अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा निश्चित होता जा रहा है कि फाइनल में दो डाई लफाफी 17 बुढ़ाना 8 की कगार पर है भैया एक दफे 6 नंबर को खतरा लगा था 4 नंबर सॉरी ऑल आउट टाइम आउट लखावटी का स्कोर चेक करा दे लखावटी 21 बुढ़ाना 8 21 8 पूरी तरीके से मन साइड अभी है भैया के मानू या क्या समझ लो आप फाइनल मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी खुशबू आ रही है कि जेपी एकेडमी ए पहले से ही फाइनल में है और कहीं लखावटी नहीं पहुंच अंदर ना पहुंच जाए क्योंकि तो स्कोर का अंतर काफी है इसे किस तरीके से बुढ़ाना लेवल करती है तो अभी देखना है चलते हुए इस वक्त में
चार पांच साल में आ जाएगा। पेट तकड़ा है और ठास लिया फड़फड़ाते रह जाएंगे। बहुत जबरदस्त पकड़ बनाई, क्योंकि अब दोनों तरफ से हाथ भी जाए बीच में पेट के निकलना रेडर का बहुत मुश्किल। एक और पॉइंट मिलेगा, लपाटी 22 उड़ाना 9 22 9। बहुत अच्छी एक बोल, क्या गजब कैच। थोड़ा थोड़ा वापसी पास लिया फड़फड़ाते रह गए। लगाते 23 उड़ाना 10 23 10 का स्कोर। अब ऐसा लग रहा है कि टाइम ही पूरा करेंगे इस अपनी रेट के हिस्से का जो टाइम है। क्या किक थी, पूरी तरीके से टैंक को हवा में लहराया। बहुत चतुर है, फ्लिप लगाई, कोई पॉइंट रेड बहुत अच्छी थी, चढ़कर रेड। भाग लिया, निकलने की कोशिश थी और स्कोर चेक। लगाते 23 उड़ाना 11 23 नहीं पहुंच रहा, 23 12 24 12 सॉरी 24 12। हां ये चल जा, वो खत्म हो जा। अरे यार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा खेलते हो। पकड़ तो पकड़ चल रही है दोनों तरफ से और अच्छा खेलती हुई टीम है। स्कोर का अंतर कितना ही हो लेकिन शानदार प्रदर्शन दोनों तरफ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, नहीं गया, बहुत ईमानदारी के साथ। दोनों टाइम आउट समाप्त, पच्चीस पार है, 25 लखावटी पार है बुढ़ाना। बुढ़ाने की है ना,
बारह पच्चीस के साथ बुआना का एक खिलाड़ी लखावटी के ग्राउंड पर फंस गया। छब्बीस बारह अब ये तय लग रहा है कि फाइनल लखावटी और जेपी एकेडमी ए के बीच। सेटअप बहुत शानदार खड़ा करा है रखाओ टीम ने, एक बार कोई मौका नहीं। औपचारिक इसमें अब कुछ नहीं बचा है मैच में। वन खिलाड़ी आउट, लेट अस सेफ। पांच मिनट से इस मैच की समाप्ति में अब नामुमकिन सा लग रहा है कि बुढ़ाना वापसी करती है। पहले ही है आप रेफरी की आंखों को धोखा नहीं दे सकते। ये खिलाड़ी को बहस करते हैं समझ में बात नहीं। एक और भाई का जो भाई का रखा है 4 मिनट अंतिम 4 मिनट दो टाइम 29-15 फेवर ऑफ लखावटी 29-15 है रे। हमारे दारू पीकर सुबह अभी तगड़े हो गए।
कितना टाइम बचा है रेफरी साहब? 3 मिनट चल रहा है सर। ठीक, चालू है 3 मिनट लास्ट इस मैच की। और इसी के साथ ये फाइनल में प्रवेश करा है। मैं समाप्त, अब ये कुछ समय के बाद आप क्या कर रहे हैं, बैठो। भाई को साहब की फरमाइश गब्बर, भाई को साहब की फरमाइश गब्बर, गाना चला दो एक बार। चला दो, ये चलाओ भाई, पहला गाना।